नमस्कार, वाडिया पार्क अहमदनगर महाराष्ट्र से मैं गजानंद। 70वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 और बेहतरीन टैकल यहां पे असु मलिक को चार दिशाओं से घेर लिया। इस प्रकार से उत्तराखंड के खाते में ये अंक जाता हूँ। हरियाणा बनाम उत्तराखंड और असु मलिक जो कि बेहतरीन स्टार में से एक, लेकिन जिस प्रकार से टैकल दिखाया इस कबड्डी प्रतियोगिता में थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त। खिलाड़ियों की जानकारी के लिए एक बेहद ही यंग अचीवर फिर से हरियाणा रेड युवा कबड्डी का कमाल प्लेयर ऑफ द 11 नंबर जर्सी से इस वक्त युवा कबड्डी का वाडिया पार्क बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। स्टेडियम दुल्हन की तरह एक बहुत ही, और यहां देखिए बेहतरीन चट्टान बनकर सामने आए और उस दीवार को तोड़ नहीं पाए। खिलाड़ियों के लिए कॉमन पॉइंट दिया गया है कि दोनों ही टीमों में जो 50,000 जो डाई पे चले हैं इस वक्त स्पर्धेमध्ये सभी नंबर 10 से संघांच्या माहितीसाठी उत्तराखंड के बेहतरीन राइडर कबड्डी स्पर्धेमध्ये बेहतरीन मुकाबला और दो मजबूत टीमें पुरस्कार दिला जाएगी। कड़ी टक्कर जिसे कहते हैं, छह का मजबूत डिफेंस हरियाणा के पास, असु मलिक जैसे स्टार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और यहां कॉर्नर के ऊपर बोनस असु मलिक चले फिर से 7 स्टार। बोनस का ट्राई करते हुए स्कोर की बात की जाए, एक अंक की मामूली बढ़त इस वक्त और बोनस अधिक करने में कामयाब। 5-5 का स्कोर उत्तराखंड कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड देखे लाजवाब। ये ताकत नजर आएगी हरियाणा की बढ़त पे। अब पहली बार एक अंक की लीड करता हुआ 6-5 के स्कोर में आप 8 नंबर जर्सी से देखे यंग स्टार, 5 का डिफेंस, इसलिए पॉइंट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 70वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2023 और यहाँ टच पॉइंट का दावा। जी हाँ, उत्तराखंड 2 अंक की लीड करता हुआ हरियाणा, इसके साथ ही शुरुआत भले ही साधारण लेकिन उसके बाद कमर कसता हुआ सुरक्षित असु मलिक ही चले हैं आशा में। सबसे मजबूत स्टार कहे जा सकते हैं इसमें हरियाणा टीम की रीड, 4 का डिफेंस और सीने को छूने की कोशिश से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। देखते हैं आखिर, और यह थाई होल्ड मजबूत है और इस प्रकार से उत्तराखंड एक बार फिर से अपना मजबूत डिफेंस साबित करता हुआ। रडर को सेफ माना गया क्योंकि डिफेंडर शायद सेल्फ आउट थे, इसलिए हरियाणा सुखद स्थिति में। अब 2 नंबर से उत्तराखंड मजबूत डिफेंस के साथ कदकाठी देखे शारीरिक भाषा शैली हरियाणा की, जो कि पूरे विश्व में सिरमौर किसी भी खेल की बात की जाए तो हरियाणा की हरियाली में। फिर से हरियाणा रेड के ऊपर अब सुपर टेकल में आ गया है। ये अग्नि परीक्षा इस वक्त उत्तराखंड की, सिर्फ 3 का डिफेंस और अंक लेना भी महंगा पड़ सकता है। टोटस की कोशिश मगर सुरक्षित ही वापस। उत्तराखंड डूडाई लेके आगे बढ़ा, करोमरो की स्थिति, अंक गवाएं तो ऑल आउट का खतरा बढ़ेगा। डूडाई है इसलिए अब दबाव और बढ़ता जाएगा, रेडर आउट कहीं ना कहीं। अब सुपर टेकल जो कि सिर्फ 2 के डिफेंस में नजर आता हो, जबकि स्टार असु मलिक रेड और सीने को छू लिया। देखे कितने बहादुर खिलाड़ी, 56 इंच के सीने को छूते हुए कमबख्त। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा अब उत्तराखंड पे पहली बार। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बोनस के लिए जाएंगे या फिर देखते हैं दबाव में कैसे सामना करते हैं। बोनस ऑन रखा है, थैंक यू तुम्हारा। ऑल आउट चाहेगा यहाँ पे हरियाणा, समय का दबाव और यहाँ इस तरीके से साइड लाइन से बाहर भेजा। ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट बोनस जरूर अर्जित किया। ऑल आउट के साथ ही 13 पे हरियाणा से सम्मानित किया गया है। और बोनस के प्रयास में देखिए असु मलिक जिनके कंधों के ऊपर कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं और कॉर्नर के ऊपर एक बार फिर से पॉइंट खोजने की कोशिश। उत्तराखंड बहुत ही अच्छे दिल से मन से सेवनर इनके साथ वापसी चाहेगा। 7 अंक की जो लीड है हरियाणा के लिए वो निश्चित रूप से टॉनिक का कार्य करेगी।
एक और ये देखिए कितना बेहतरीन ब्लॉक किया, वाह मजा आ गया, शानदार टेकल हरियाणा का फिर से। 8 नंबर की स्टार रेडर एक बार फिर से टोटस की कोशिश, पांव से पांव छूना चाहते थे मगर सीने को छू लिया है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार से भी तो लगातार बढ़त बनाता हुआ हरियाणा, इधर से पॉइंट की मांग की जा रही है लेकिन विश्वास में नहीं, टच पॉइंट दिया गया है। 15-7 का स्कोर। सुरक्षित खेल को आगे बढ़ाना चाहेगा क्योंकि पहले आपका खेल बढ़त उत्तराखंड। सात के स्कोर टच पॉइंट यहां पे 8 पे पहुंचता हुआ आसू मलिक फिर से आ गए हैं। आसू तेरी आस, हरियाणा को सात का मजबूत डिफेंस देखते हैं क्या आसू मलिक को स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं। इससे पहले एक बार बेहतरीन टेकल आसू के खिलाफ रहा था, बोनस की कोशिश और यहां सीने को छूने का प्रयास मगर सुंदर बचाव। फिर से वही रेडर पुनरावृत्ति पे 3 नंबर जर्सी से इस वक्त उत्तराखंड के बेहतरीन और मजबूत रेडर। कॉर्नर पे देखिए यहाँ बैक किक का इस्तेमाल, टच पॉइंट डू डाई पे चला है इस वक्त हरियाणा। 9-15 यानी कि बढ़त को कम करता हुआ और यह पुश करते हुए बाहर भेज दिया, अच्छा कार्य किया। इस पॉइंट के साथ ही 2.5 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 पे, जबकि सुपर टेकल में हरियाणा पहली बार। परिस्थितियां बदल सकती हैं, यहां से अंक आया तो और यहां बेहतरीन पुश है हरियाणा का लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए लोबी के माध्यम से ही सही सुपर टेकल। 2-1 का इशारा, एक डिफेंडर आसू मलिक इस वक्त। वापसी के लिए पॉइंट सही है हर हाल में, नहीं तो ऑल आउट का खतरा होगा। और बड़ी रेड, ये देखिए आसू मलिक दुबक दुबक कर रहे, 2 पॉइंट निकाल दिए। यही ताकत और खूबसूरती है आसू मलिक की, महसूस ही नहीं हुआ कहां से हाथ आगे बढ़ाए और लक्ष्य तक पहुंचे। अब 5 के डिफेंस से हरियाणा वापसी करता हुआ फिर से 19-11 यानी 8 अंक की लीड है। गलतियों से बचना चाहेगा, 4-5 का डिफेंस हरियाणा के पास 5 से जबकि उत्तराखंड के पास सिर्फ 4। समय बिताता डी लाइन को छोकर वापस आसू मलिक ही चले हैं, लंबी सांस भरते हुए गहना देन के साथ। 4 के डिफेंस को कमज़ोर साबित करना चाहेंगे, देखते हैं आखिर किस तरह स्टार्ट लेते हैं। शेर जैसे छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे जाता है उसी अंदाज से, लेकिन सेफ ही वापस मुनाफिन समझा। 2 डाई रेड के ऊपर अब उत्तराखंड है तो यहाँ से तब्दीलियाँ स्वाभाविक हैं स्कोर में। और थाई होड देखे, वाह लाजवाब, एक ही एक्शन से शिकार किया बड़ी मछली जाल में। हौसले बुलंद हरियाणा के और सुपर टेकल के संकट में फिर से उत्तराखंड, देखते हैं उत्तराखंड को छिन्न भिन्न कर पाते हैं कि नहीं। आसू मलिक 20-20 का स्कोर जाता हुआ हरियाणा अब 9 अंक की लीड कर चुका है। अंक गंवाया तो फिर खतरा फिर से मंडराएगा सर पे उत्तराखंड। 3 के डिफेंस और पकड़ मजबूत है, अब छोड़ने का सवाल ही नहीं, सॉलिड टेकल। और इस प्रकार से सुपर टेकल से 2 अंक उत्तराखंड को, 13-20, 7 अंकों का फासला और ये हरियाणा के पक्ष में अब तक है। जबकि ऊंचा लांबा कद देखिए कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये टीम की रीढ़ के रूप में देखे जा सकते हैं उत्तराखंड की बात की जाए तो। और यहाँ एक अंक चाहिए ताकि हौसला बढ़े और वापसी का अवसर बने, लेकिन खामोशियाँ ही बेहतर। फिर से हरियाणा एक बार फिर ललचाने की कोशिश होगी क्योंकि बढ़त पे है हरियाणा, इसलिए उत्तराखंड कहीं ना कहीं गलती के लिए आगे आएगा और उसी आशा में यहाँ
आमंत्रित करना चाहते थे हरियाणा के रेडर। सेफ कमबैक। फिर से वही रेडर पुनरावर्तित। उत्तराखंड बनाम हरियाणा 20-13 के साथ 7 अंक की लीड करता हुआ हरियाणा प्रदेश इस वक्त पहला मैच ये इस वक्त आपको बता दें। और यहाँ डाइट या हवा में पहुंच गए लक्ष्य तक। एक बार फिर से 8 स्टार यानी कि 8 सितारा रेडर हैं जो काफ़ी आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं और अभी तक काफ़ी सफल भी रहे हैं। बैकी की कोशिश लेकिन इतना आसान नहीं। फिर से सुरक्षित वापस प्रदीप उत्तराखंड के बेहतरीन रेडर इस वक्त। हाफ टाइम इसी के साथ सेकंड हाफ लीजिए। पहले आपकी बात की जाए तो 20-13 का स्कोर रहा और अब प्रदीप चले हैं इस वक्त। श्री जयंत वाग सरण माजी विनंती रही अपन श्री श्रीकांत मेंबर एग्जीक्यूटिव कमिटी कॉर्नर के ऊपर यंत्र सत्कार सेफी वाग वापस। श्री श्रीकांत मेंबर आठ नंबर के फिर से वही रेडर जो हरियाणा की तरफ से काफी संघर्षशील खिलाड़ियों में से कबड्डी में अभी बहुत काम आपको करना है श्रीकांत जी। श्री अपना विनती कर दो उत्तराखंड एक बार फिर से एक्स जनरल से प्रदीप ही ऊंचा लंबा करते हाइट का फायदा उठाना चाहिए लेकिन वो लाभ अब तक उतना अर्जित नहीं करना कर पाए हैं जितना करना चाहिए था। लेकिन हरियाणा के जो डिफेंस का जो दबाव उसी दबाव में वापस फिर से बगैर किसी अंक के जुड़ाई पे चले हैं। सेहत भी आपको दे पुनः सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किलें बढ़ सकती हैं प्रदीप की और बैकी के यहाँ पे लेकिन शानदार ब्लॉक किया सामने से। ये ताकत है हरियाणा की। इधर से भी डुडाई का मजा लीजिए। अब स्कोर 21 पे पहुँचता हुआ हरियाणा का और डाइव किया हवा में और टच पॉइंट में सफल रहे हैं शायद। जी हाँ डबल स्टार श्री प्रकाश बरुड़े सर मजबूत होता डिफेंस हरियाणा का। आसू मलिक जो कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हरियाणा के पास कॉर्नर के साथ जुड़े हुए हाथ से हाथ मिलाए जा खेल को आगे बढ़ाए जा। मोहित देखते हैं यहाँ पिछली रेड पे सफल रहे थे इसलिए आत्मविश्वास बढ़ा होगा। स्कोर 22 पे जा पहुँचा है हरियाणा का लेकिन शेल्फ आउट एक खिलाड़ी और यहाँ उसका फायदा उठाते हुए कमजोरियों का 2 पॉइंट यहाँ से 24 पे पहुँचता वाईसी के साथ हरियाणा। जबकि उत्तराखंड एक बार फिर से थोड़ा सा खंडित ही दिखाई दे रहा है। डॉटर्स की कोशिश 7 का मजबूत डिफेंस और देखे आसू मलिक ने सीने से लगा लिया ऑल आउट इसी के साथ 3 पॉइंट फिर से। अब तक कुल मिलाकर दोनों हाथ में एक बार ऑल आउट कर चुका है हरियाणा उत्तराखंड को जिसकी बदौलत मजबूत लीड बनाता वासु मलिक। फिर से देखिए टच पॉइंट के प्रयास में 12 पॉइंट की मजबूत लीड हरियाणा के पास। इसलिए दबाव उत्तराखंड के ऊपर गहराता जाएगा खेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हर हाल में खेल को मजबूत साबित करना होगा। राइट कॉर्नर से एक बार फिर से दबाव के ये पल आप देख सकते हैं। शारीरिक भाषा शैली यही कर रही है। अगदी कॉर्पोरेटरच्या दिवसादिवस वाढत चालले अगदी विनम्र आहात एकदम जेंटलमॅन आणि राजकारणामध्ये अखेर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या फिर सेफी वापस। फार बरं वाटलं आपण इथे आला। सेकंड हाफ का खेल गणेशसाहेब आमदार चषकाची और वापस फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं यानी कि अब दूधिया रोशनी में आगे का मुकाबला और आज के होने वाले 4 मैच और यहाँ देखिए एंगल होल्ड कॉर्नर पे सॉलिड पकड़ इतनी मजबूत थी कि छोड़ने वाले नहीं थे। फिर से मोहित और यहाँ शानदार टेकल और ऐसी ही डिफेंस की आवश्यकता उत्तराखंड को वापसी के लिए। बड़ी देर के बाद एक अंक का इजाफा उत्तराखंड को कुल मिलाकर और ये देखिए थाई होल्ड अपने ही जाल में फंसे। 29-16 का स्कोर 13 की लीड आसू मलिक रेड पे अपना चित परिचित अंदाज हौसले बुलंद एक जुनून है एक जज्बा है एक जोश है। और देखिए लाइटें लगभग सभी ऑन कर दिए गए इसलिए
नजारा रात्रि का बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। श्री रणधीर सिंह छह का डिफेंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सेफ वापस उत्तराखंड आशा में देखते निराशा हाथ लगती है या फिर टीम को वापसी करा पाते हैं। और बैक किक और टच पॉइंट कॉर्नर से 29-17-12 की अभी भी बढ़त है जो कि पहले आपके समय थी और उस बढ़त को कायम करने में कामयाब। अब एक 11 नंबर से देखिए ताकत झोंकने की कोशिश से एकाग्रता का खेल, कहीं ना कहीं तालमेल चाहिए और उस तालमेल में उत्तराखंड एक बार फिर से दिखाई देता हुआ। टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू। बढ़त को थोड़ा सा तो कम किया है लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है उत्तराखंड के लिए। दबाव बनाने की कोशिश, एक बार फिर से। अब एक नंबर यानी वन स्टार और पहली रेड है ये इस स्टार की इस मैच में। सेफ ही फिर से वापस और कुछ ही क्षणों में दोनों ही टीमें सब्स्टिट्यूट को अंदर मौका दे सकती है। हरियाणा बढ़त को देखते हुए जब उत्तराखंड पिछड़ने की स्थिति को देखते हुए कुछ चेंज कर सकता है प्रदीप। और ये देखिए बेहतरीन ब्लॉक है, इस समय छोड़ने वाले नहीं, प्रदीप फंस गए हैं। आसू मलिक फिर से रेड पे। 30-18 यानी 12 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों और इस बढ़त को काटना टेडी खेल उत्तराखंड के लिए। खेल तेजी से आगे बढ़ रहा और दबाव और गहराता जा रहा है क्योंकि समय दबाव बढ़ाएगा जो जो खेल आगे बढ़ेगा। आसू मलिक जब तक हरियाणा के पास है, कोर्ट पे हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी विपक्षी टीम पे दिखाई देगा। और समय की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए सेफ कमबैक। दो नंबर जर्सी से इस वक्त उत्तराखंड के रेडर जो कि काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली अब तक जितनी मिलनी चाहिए थी। जुनून जज्बा और यहां देखिए मजबूत एंगल होल्ड कॉर्नर से एक और अंक हरियाणा की हरियाली में। जुडाई पैब और यहां एंगल होल्ड कमज़ोर और पहुंच गए लक्ष्य तक। पकड़ने में तो कामयाब रहे थे लेकिन पकड़ कमज़ोर साबित हुई, मजबूत नहीं थी, इसलिए ढीली पकड़ से हरियाणा को एक अंक मिल गया और उस ढिलाई का फ़ायदा भी उठाया। और ये देखिए बैक होल्ड, अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। आसान नहीं था लेकिन कर दिखाया। 33-18 अब 15 अंक की बढ़त हो चुकी है यानी कि पहले हाफ में 12 अंक की लीड थी, उसमें 3 अंक का और फायदा करता हुआ और 3 के डिफेंस में उत्तराखंड यानी कि सुपर टेकली कहीं तो अपनी स्मार्ट भाषा में टोटस की कोशिश और दावा किया जा रहा आत्मविश्वास में। जी हाँ, एक अंक फिर से इजाफा हरियाणा की हरियाली में। 34 का स्कोर जबकि 18 पे अटका हुआ उत्तराखंड। दो बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा हद तक, तीसरी बार खतरा मंडराने लगा है सोलिड एंगल होल्ड, इसके साथ ही एक और अंक गंवाता हुआ उत्तराखंड। अंतिम खिलाड़ी इसके साथ ही ऑल आउट फिर से आसू मलिक के पक्ष में ये अंक और 3 अंक का इजाफा। कुल मिलाकर 3 बार ऑल आउट का सामना उत्तराखंड को और पहला एक बार फिर से एक अंक, तो हरियाणा मजबूत होता हुआ। 38-19 यानी जितने स्कोर उत्तराखंड का उतनी लीड है हरियाणा के पास, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना अंतर है दोनों के खेल में। और हरियाणा यूं ही नहीं सिरमौर हर खेल में। 9 नंबर से उत्तराखंड छह के डिफेंस से कॉर्नर पे आसू मलिक जो कि डबल रोल में इसमें। और ये देखिए आसू मलिक फिर से भूमिका निभाते हुए एंगल होल्ड की। 39-19 यानी कि 20 अंक की बढ़त हो चुकी है। देखते ही देखते बढ़त और मजबूत है, पहले हाफ में 12 अंक की लीड और अब 20 की यानी 8 अंक और फायदा करते हुए अंतिम 5 मिनट का खेल शेष। जीत के करीब है कहीं ना कहीं हरियाणा। तमिलनाडु वर्सेस पांडिचेरी, चंडीगढ़ वर्सेस राइट कॉर्नर से और यहाँ गलती शायद और कॉन्फिडेंस। डूडाई पे चला है उत्तराखंड और यहाँ देखिए वहाँ भेज दिया शायद पुश करते हुए निर्णय की प्रतीक्षा। सफल रहे 2 पॉइंट के साथ लेकिन समय गुजारना अपित्रत हरियाणा की, यहाँ उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं समय गंवाना। आसू मलिक स्टार इस मैच के हीरो ऑफ द मैच।
स्टार ऑफ द मैच हरियाणा के आनवान शान कबड्डी जगत में जो टूर्नामेंट शुरू है पांच का डिफेंस है युवा कबड्डी का कमाल लेकिन यहाँ टूर्नामेंट फिर समय गंवाना फितरत 41-20 का स्कोर यानी 21 का लीड और अब तक के खेल में 21 ही नजर आया हरियाणा उत्तराखंड के सामने। 3 मिनट से भी कम समय शेष खेल का लेकिन उत्तराखंड इस समय बेहद निराश। फिर से वन स्टार आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि उत्तराखंड गलती करे और उसका फायदा हरियाणा को मिले। ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, फिर से सेफ वापस और यहाँ देखिए पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा, लॉबी से बाहर जाना पड़ा और यहाँ देखिए सॉलिड एंगल होल्ड 4 के डिफेंस से 1 अंक उत्तराखंड। 60 सेकंड का खेल शेष, जीत के बेहद करीब हरियाणा। इसके बाद केवल एक रैडी और हो सकता है एक नंबर से। इस प्रकार से रहेंगे इस समय हरियाणा के स्टार रैडर जीत की मंजिल पे। इस समय हरियाणा झारखंड कर्नाटका से भी वापस और ये संभवतः इस मैच का फाइनल रेड हो सकता है। 21-42 का स्कोर यानी उत्तराखंड डाल डाल तो हरियाणा पान पान 1 अंक के तोहफे के रूप में। इसके साथ ही समय समाप्त और यहाँ हरियाणा ने 22-41 यानी 20 पॉइंट के अंतर से 22-42 20 पॉइंट के अंतर से हरियाणा ने उत्तराखंड को पराजित करते हुए इस 17वीं नेशनल चैंपियनशिप में पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हरियाणा। अगले मैच के लिए कुछ देर का विराम, बने रहें गजानन डोगरा। हैव ए नाइस नाइट। शुरू है